नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं मुझे यानी कि श्रुति द्विवेदी को। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए खास उपाय। बिजनेस में मंदी चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है और कर्जे बढ़ चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से इतना प्रेशर है कि आगे कैसे बढ़ा जाए यह संभव नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, ये खास बातें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए केवल एस्ट्रो तक पर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अंत में आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाला है इस साल का एक महापर्व शिवरात्रि, महादेव की रात्रि, पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। चलिए जानते हैं शिवरात्रि पे और शिवरात्रि से पहले पूर्व भी और शिवरात्रि के बाद भी आप ये क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, जिससे कि आपके जीवन में आर्थिक समस्या जो है वो इजी हो जाएगी। आर्थिक समस्या का समाधान कैसे दिया जाए, महादेव तो कृपा देते हैं और महादेव की कृपा असीम होती है। एकमात्र महादेव का नाम और स्मरण करने से ही महादेव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो महादेव को वैसे तो किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार में सब कुछ तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। हम उनका उनको अर्पित कर रहे हैं, हम अपना कुछ भी नहीं अर्पित कर रहे हैं, आपका आपको अर्पित महाप्रभु। ऐसे करते हुए आप जो भी अर्पण करेंगे वो आपके जीवन में बहुत जैसे कहते हैं ना सफलता भी लेकर आएगा। एक फूल होता है जूही का फूल, जूही के 11 फूल ले लें, 11 फूल जूही को इत्र में, आप इत्र ले सकते हैं गुलाब का, केसर का, केवड़े का, चमेली का, मोगरा तो नहीं बट हाँ हल्का सा लगा लें, ठीक है, थोड़ा सा लगा के आप उस फूल द्वारा 108 फूल ले लें और शिवरात्रि के दिन महादेव का श्रृंगार अर्पित करें, उसे श्रृंगार करें। ये उपाय आप सोमवार को भी कर सकते हैं, इस उपाय को आप किसी प्रदोष तिथि पर भी कर सकते हैं। इन उपायों से आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी पॉजिटिविटी आएगी। दरिद्र का हनन होता है, दुख का हनन होता है, और यदि इसके साथ साथ आपने दारिद्र दुख हन दहन महादेव का स्तोत्र पढ़ लिया तो वो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय आप करके देखें, ये आपके लिए बेहद बेहद लाभकारी होगा और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा यदि आप कर पाए कि नहीं। कई बार किसी उपाय का फल हमें आकस्मिक मिलता है जब हमने कभी सोचा नहीं होता है, तो कभी ऐसे नहीं सोचें कि आज एकदम से मेरा काम नहीं हुआ तो मैं पीछे हट जाऊं। काम होते हैं, थोड़ा सा विश्वास रखना जरूरी है। ऐसे ही खास बातें मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एस्ट्रो तक पर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो। महादेव आप पर कृपा करें। हर हर महादेव। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।